आज मैं आपको मोटापा, जो कि बहुत ही जल्द बढ़ तो जाता है, फिर उसे कम करने में पसीने छूट जाते हैं, पर घबराइए नहीं, आज मैं आपको मोटापा कम करने के कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी, जिसे आजमाकर थोड़े ही दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों, वजन बढ़ने के साथ कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मोटापा कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जीवन शैली में खास बदलाव की। स्वस्थ खानपान और नियमित एक्सरसाइज के जरिए आप बढ़ते वजन पर काबू पा सकते हैं। जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली वस्तुओं का परहेज करें। शक्कर, आलू और चावल में यह अधिक पाया जाता है, ये चर्बी बढ़ाते हैं। इसके अलावा सुबह आधा घंटे तेज चाल से घूमने जाएं, यह वजन घटाने का सर्वोत्तम तरीका है। अगर आप तेज चाल नहीं चल सकते तो वॉक भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज एक आवश्यक उपाय है। एरोबिक एक्सरसाइज मोटापा कम करने में काफी मददगार होती है। कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनको अपनाकर आप मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। शहद मोटापा दूर करने में बहुत ही सहायक है। एक चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू का रस गर्म पानी में मिलाकर लें। इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी नष्ट होती है। इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं। पत्ता गोभी में भी चर्बी घटाने के तत्व पाए जाते हैं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म ताकतवर बनता है और ज्यादा कैलोरी का दहन होता है, जिससे चर्बी समाप्त होकर मोटापा कम होता है। इसके अलावा पुदीने में मोटापा विरोधी तत्व पाए जाते हैं। पुदीने के 1 चम्मच रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर लेते रहने से फायदा होता है, या सुबह उठते ही 250 ग्राम टमाटर का रस 2 से 3 महीने तक लगातार लेने से इसके परिणाम आप खुद देखेंगे। इससे शरीर की वसा में कमी होती है। गाजर का रस मोटापा कम करने में उपयोगी होता है। करीब 300 ग्राम गाजर का रस दिन में किसी भी समय ले लाभ होगा। एक अध्ययन का निष्कर्ष आया है कि वाटर थेरेपी मोटापा की समस्या हल करने में कारगर सिद्ध हुई है। सुबह उठने के बाद हर घंटे के फासले पर 2 गिलास पानी पीते रहें। इसी प्रकार दिन भर में कम से कम 20 गिलास पानी पिएं। इससे विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकलेंगे और साथ ही मेटाबॉलिज्म तेज होकर ज्यादा कैलोरी का दहन होगा और शरीर की चर्बी कम होगी। अगर 2 गिलास के बजाय 3 गिलास पानी प्रति घंटे पिएं, तो और भी तेजी से मोटापा कम होगा। कोशिश करें कि रोजाना अपने खान पान पर ज्यादा से ज्यादा फल व सब्जियां उपयोग करें। अधिक वसा युक्त भोजन से परहेज करें। तली हुई चीजें इस्तेमाल करने से चर्बी बढ़ती है। वनस्पति घी मोटापे में हानिकारक होता है। इसके साथ ही नमक व शक्कर का उपयोग कम से कम करें। दिन में कम से कम 3 बार 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ कर पिएं। अगले 21 दिन यही प्रक्रिया करें। इससे आपके वजन घटाने में मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर पर चर्बी ज्यादा मात्रा में है, तो आप नींबू को बिना पानी में डाले प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, तो अगले 21 दिन इसका सेवन बंद करें और इसकी जगह चने के आटे की रोटी खाना शुरू करें। बहुत से हकीम और वेदों का मानना है कि चने की रोटी खाने से वजन कम होता है, क्योंकि चना गेहूं की भांति जल्दी पच जाता है। इसके अलावा यदि आप जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, चाइनीज, बर्गर इसका सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इसे बंद कर दें। मोटापा कम करने के लिए इसकी जगह सब्जियों का सेवन शुरू कर दें, जैसे पालक, साग, सरसों, मूली, मेथी, बथुआ। इन सब्जियों को चने की रोटी के साथ खाएं, लेकिन घी और मक्खन के बिना। 21 दिन लगातार यही करें और उसके बाद अपने वजन में फर्क देखें। खाना खाते समय दही या मठे का सेवन करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध दूध से बना हो। बहुत से हकीमों वेदों का कहना है कि दही और छाछ चर्बी घटाने में सहायक होते हैं। आप इसका सेवन किसी भी रूप में कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप दही खाएं या इसे मठा बनाकर पिएं। तो दोस्तों, ये थे मोटापा
यानी कि शरीर की चर्बी को कम करने के कुछ घरेलू और आसान से उपाय। मैं राधिका जैन आशा करती हूँ कि आप मेरे बताए हुए इन घरेलू नुस्खों को जरूर अपनाएंगे। धन्यवाद।